तो भाई लोग इसी होटल में हम लोग रुके थे, पारो में, लेक्सो करके है, और काफ़ी अच्छा है, 1300 के आसपास रूम मिल जाता है यहाँ पे। और चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से थिम्पू के लिए निकल रहे हैं, और भाई साहब थिम्पू से फुनसिलिंग जाएंगे, और हमारा प्लान है कि मैं पुनाखा जाऊँगा, और अभी तो यहाँ से हम लोग को थिम्पू जाना है। तो चेकआउट कर लिया है, पारो से थिम्पू के लिए 8:30 बजे की बस है हम लोग की, और अभी 8 कुछ हो रहे हैं, और फिलहाल आप एक सामने का व्यू देखिए। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा रहा पारो का सफ़र, बहुत ही अच्छा था। और अभी मेरे को यहाँ से थिम्पू जाना पड़ेगा, थिम्पू जाकर जो अपना परमिट है उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, और क्योंकि जो आपको परमिट मिलता है 7 डेज़ का, वो केवल थिम्पू और पारो के लिए ही होता है। तो अभी प्लान है कि मैं जाऊंगा, अपना परमिट एक्सटेंड कराऊंगा, पुनाखा के लिए अलग से परमिट मिलता है तो मैं पुनाखा के लिए अलग से परमिट लूँगा, और 29th को मेरी फ़्लाइट है सिलीगुड़ी टू कोलकाता, यानी बागडोरा से, और कोलकाता टू लखनऊ। तो यही प्लान है, 29th को है, तो अभी मेरे पास कितना दिन बचा, 2 दिन बचे हैं, और 26th को तो मैं थिम्पू जा ही रहा हूँ, और आज ही परमिट ले लूँगा पुनाखा के लिए, और फिर कल सुबह में पुनाखा निकलूँगा, और एक ही दिन में मैं चला भी आऊँगा थिम्पू, क्योंकि पुनाखा से अगर गाड़ी मिल जाएगी फुनसिलिंग की तो मैं चला जाऊँगा, अगर नहीं मिलती है तो मुझे फिर थिम्पू आना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जाना पड़ेगा हमको फुनसिलिंग, जो कि इंडिया और भूटान का बॉर्डर है, फुनसिलिंग और पड़ता है भूटान में, और जयगांव पड़ता है इंडिया में, और फिर वहाँ से सिलीगुड़ी से फिर चले जाएंगे। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोल जो मिलता है वो इंडिया से ही आता है, इसलिए भारत पेट्रोलियम आप देख रहे होंगे, और ये देख लीजिए पारो। तो भाई लोग हम लोग पहुँच चुके हैं पारो के बस स्टैंड में, और ये फुनसिलिंग के लिए गाड़ी जा रही है, और इधर टिकट काउंटर है, और इधर आप देख सकते हो। और हम लोग की गाड़ी शायद वहाँ पे रुकी है। तो भाई ये पारो टू थिम्पू हम लोग की गाड़ी, और इधर आप देख सकते हो देवा ट्रांसपोर्ट है, और यही पारो टू थिम्पू देवा ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं कि 8:30 इसका रिपोर्टिंग टाइम रहता है, और ये बस खुलती है 9 बजे यहाँ से, तो अभी 8:30 हो रहा है, और इंडिया में भी 8 बज रहा है, तो चलता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है बस में, टिकट तो ऑलरेडी बुक भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई समय हो चुका है, अब हम लोग चल रहे हैं, तो बैठ चुके हैं गाड़ी में, गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है।
जाएंगे फुनसुलिंग, और मुझे पुनाखा जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, तब चलो बाय। तो भाई जो थे कर्नाटक के वेंसन, ये जा रहे हैं क्योंकि ये जब हम लोग पारो से थिम्पू आए थे तो उन्होंने तुरंत टिकट निकाल लिया फुनसुलिंग के लिए, और क्योंकि उनकी 27 को ट्रेन है अपने गांव के लिए। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अभी, क्योंकि जो परमिट मिलता है बॉर्डर पे वो सिर्फ थिम्पू और पारो के लिए ही होता है, अगर आपको पुनाखा जाना है तो अलग से परमिट लेना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि मैं परमिट के लिए जा रहा हूँ, बट एक बात और कि मैं अभी अकेला हूँ, और थिम्पू और पारो में जितना आपका खर्चा होगा ना उतना आपको अकेले पुनाखा में लग जाएगा यार, क्योंकि वो हिल स्टेशन एरिया है, उधर होटल वोटल भी थोड़े बहुत महंगे मिलते हैं आपको। करीब मैंने booking.com पे देखा तो 1900 के आसपास थे, और बस यहाँ से जाती है, सुबह की बस है, 200 रुपये जाने का शायद लगता है, और आने का शायद कम लगता है, 120 के आसपास, तो ठीक है। और मुझे जाने के लिए पुनाखा आज स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 के आसपास मुझे लगेगा रुकने में यहाँ पे, और कल जाऊँगा तो जब कल वापस यहाँ पे आऊँगा तो फिर लग जाएगा, क्योंकि कि यहाँ से ही गाड़ी मिलती है फुनसुलिंग की, और पुनाखा से मिलती है बट वो 12 बजे की है, तो मैं साइड सीन कब करूँगा, कब उसको पकड़ूँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुनाखा ना जाऊँ, क्योंकि मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और मैं अभी इमिग्रेशन ऑफिस आगे है, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, और मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ पुनाखा ना जाऊँ, टैक्सी पुनाखा में नहीं स्टे करेंगे तो फिर आना ही पड़ेगा यहाँ, आज हमको रुकना पड़ेगा यानी 2 दिन, और फिर मुझे सिलीगुड़ी भी, जो फ्लाइट है वो 29 को है और आज 26 हो रहा है, और मुझे स्टे करना पड़ेगा, और 27 को पुनाखा से आज स्टे करना है थिम्पू में, फिर 27 को जब इधर आएंगे तो इधर भी स्टे करना पड़ेगा, और फिर सुबह में 28 को निकलना पड़ेगा मुझे फुनसुलिंग के लिए, और 29 को बागडोरा से मेरी फ़्लाइट है, तो 28 को मैं जाऊंगा तो कब सिलीगुड़ी पहुंचूंगा, कब क्या करूंगा, फिर वहां भी दिक्कत हो रहा है। जब मैं आया था तो मैं सोचा था कि 7 डेज के लिए मैं जा रहा हूँ, और इतना में हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने फ़्लाइट कराई थी आने का और जाने का, और अभी थोड़ी टेंशन हो गई है क्या करें क्या ना करें। पुनाखा में 2-3 चीज़ देखने को है, एक डोचुला पास है और एक सस्पेंशन ब्रिज है, पुनाखा फोर्ट है, बस इतना ही है, और यह है कि वो हिल स्टेशन एरिया है, और ये एरिया देखो आप, अभी मैं देख रहा हूँ, तो भाई ये देख रहे हो ना, यही है इमिग्रेशन ऑफिस यहाँ का। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी इमिग्रेशन ऑफिस के पास ही बैठा हूँ, मैंने फॉर्म भी ले लिया था, और हम क्योंकि हम लोग जब बॉर्डर से आए थे तो 2 लोग हो गए थे, एक भाई मेरे कर्नाटक से थे और मैं था, तो उस समय हम लोग को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं देना पड़ा, और अभी वो निकल चुके हैं फुनसुलिंग के लिए, और मैं आया था, मैं सोच रहा था कि मैं पुनाखा जाऊँ, मेरा मन भी नहीं था, और अभी यहाँ पे आया तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको, क्योंकि आप अकेले हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपको परमिट मिलता है बॉर्डर से वो सिर्फ थिम्पू और पारो के लिए होता है, अगर आपको पुनाखा जाना पड़ेगा तो फिर आपको यहाँ आकर थिम्पू में लेना पड़ेगा। मैं अभी इमिग्रेशन ऑफिस के पास ही बैठा हुआ हूँ, तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको पुनाखा के लिए परमिट लेना पड़ेगा। तो मैं अभी गया तो फॉर्म लिया तो बोल रहे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से मुझे सब देना पड़ेगा और ये सब, और जाने का भी मन नहीं है इसलिए क्योंकि मैं बजट ट्रेवलर हूँ और बजट ट्रेवलिंग करता हूँ, अब तक जो भी किया है मैंने बजट में किया, क्योंकि अगर आप भूटान अकेले आते हो ना तो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा पड़ेगा। अभी जो मेरे पैसे लग रहे थे वो हाफ हाफ लग रहे थे, क्योंकि आधा उस भाई का लग रहा था आधा मेरा लग रहा था, और अभी मैं अकेले हूँ तो सारा कुछ मुझे ही अब करना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना अभी तक खर्चा किया हूँ उससे ज़्यादा खर्चा मेरा पुनाखा जाने में हो सकता है और आने में, तो मैं अब डिसाइड किया हूँ कि मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि मेरी 29 को फ़्लाइट है सिलीगुड़ी से घर के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं फुनसुलिंग चलता हूँ और आज स्टे करता हूँ फुनसुलिंग में,
भाई के साथ, और फिर उसके बाद मैं सिलीगुड़ी निकलूँगा और समय मिलेगा तो आपको दार्जिलिंग घुमाऊँगा। तो चलते हैं। और क्योंकि इसलिए पुनाका मांगा है क्योंकि वो हिल स्टेशन एरिया है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं चलता हूँ। तो अगर आपको अगर पुनाका जाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। तो अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ से बस स्टैंड जाऊँगा, फिर वहाँ से काउंसिलिंग के लिए गाड़ी पकड़ूँगा। अगर सिंगल हो या अगर आप ग्रुप में हो तो भी आपको अगर पुनाका जाना हो तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा। यहीं से आपको मिलेगी परमिट पुनाका के लिए। तो मैं अभी डिसाइड किया हूँ कि मुझे अब काउंसिलिंग चलना है। तो भाई तो चला गया, अब मुझे अलग से गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलते हैं भाई अब। और बेसिकली मैं बता दूं कि मेरा मन भी नहीं था पुनाखा के लिए कि मैं जाऊं। अब चलते हैं फिर, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा उतना दूर। तो मैं पुनाखा को स्किप करता हूँ और चलता हूँ अब फुनसिलिंग, और फुनसिलिंग के बाद मैं चला जाऊँगा सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी चलकर आपको दिखाता हूँ फुनसिलिंग। अभी भाई मैं बैठ चुका हूँ और काफ़ी थक गया था, तो मैं सोच रहा था कि अभी कहाँ से आए? अभी मैं पारो से, वो बस में? नहीं, बस में नहीं आया, अभी आया था डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, क्योंकि पुनाखा जाना था हमको। काउंसलिंग के लिए तो गाड़ी मिल जाएगी। देखता हूँ भाई, ये देखो नज़ारा है आप। इधर में होटल में कहाँ पर रहते हैं? क्या इधर में होटल में बैठे हैं? बिहार जानते हैं आप? बिहार तक गया? गए आप बिहार?